नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। कटनी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुश्री नीतू डबास ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही भाजपा एवं हमारी सरकारें। दो दिवसीय कटनी प्रवास पर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुश्री नीतू डबास ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा की। सुश्री डबास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र एवं सरकार ने सदैव महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। नारी उत्थान उनके सम्मान में भाजपा सरकार हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी अग्रणी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्याय व योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रही है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा का मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उन सभी का ये दो दिवसीय संगठनात्मक प्रवास हम लोग करने आए हैं। उसी की योजना के अंतर्गत मैं दिल्ली से मूलतः हूँ, जिला कटनी मेरा तय हुआ तो उसी प्रवास पर मैं हूँ। परसों कल मैं यहाँ पहुंची और आज सुबह से मैंने कार्यक्रम यहाँ पर किए जिसमें माँ दुर्गा देवी जी का आशीर्वाद ले उसके बाद हम कॉलेज में गए और उसके पहले हाँ हॉस्पिटल में जाना हुआ। लगभग 12 कार्यक्रम हमारे तय हैं और उसमें जो है नए वोटर्स को रीच आउट करना, महिलाओं के अलग अलग समूह को रीच आउट करना, संगठनात्मक बैठक करना और इसके साथ ही लाभार्थी जो है उसका भी कार्यक्रम हमारा कल हमारा है। और ये तमाम जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक स्मारकों पर की जाना या उस क्षेत्र से जुड़ा कोई जो सांस्कृतिक केंद्र है उस पर की जाना, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय महिला मोर्चा का ये प्रवास संगठनात्मक प्रवास हो रहा है। जी मैं यहाँ पर दो दिवसीय प्रवास पे आई हूँ। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों का अनेक राज्यों में जो है प्रवास हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का आज हमारा ये जो है प्रवास आज से मेरा शुरू हुआ है, जिसमें माँ जलपा देवी जी के दर्शन करके मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच में गई और इसके साथ ही हॉस्पिटल में जाना हुआ। और अभी दो दिवसीय प्रवास है तो इसके बीच साथ ही जो है लाभार्थियों का एक सम्मेलन रहेगा, उनसे मिलना होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलना होगा और हमारे भाजपा का क्योंकि संगठनात्मक भी है तो महिला मोर्चा के हमारे कार्यकर्ताओं का जो है उनसे भी जो है संवाद होगा। तो एक संगठनात्मक प्रवास है जिसमें अनेक 12 जो है कार्यक्रम, सभी जो है कार्यक्रमों को शामिल, ऐतिहासिक स्मारक पे जाना, स्थल पे जाना और जो यंग वोटर्स है उनके बीच में जाना और बाजार में जाना, पार्क में जाना, ये करके एक तरह से आप ये समझिए कि सर्वेक्षण भी हो जाता है हमारे संगठन का और महिला मोर्चा की तरफ से आगामी चुनाव की जो है तैयारी भी, संगठनात्मक उसमें कमी पेशी जो है वो भी तुरंत जो है भाजपा पे काम करे। तो ये प्रवास जो है मैं करने के लिए यहाँ पर हूँ और बहुत अच्छा रुझान जो है मुझे, जब मैं यंग वोटर्स के बीच में गई, महिलाओं के बीच में गई, हॉस्पिटल में गई तो बहुत अच्छा रुझान उनको जो है, जैसी मैं बात करती हूँ पटका देखते हैं तो बड़ा ही एक संतुष्टि के भाव से बोलते कि जी 1000 रुपये महीने के हमारे खाते में आ रहे हैं और बड़े ही खुश हैं और जो है शिवराज जी की जो है बहुत अच्छी मतलब एक जो है प्रभाव इस क्षेत्र जो है कटनी जिले में देखने को मिल रहा है। और मैं बड़ी आशान्वित हूँ, बड़ी निश्चित हूँ कि भाजपा अपनी पुनः सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है, डबल इंजन की सरकार जो है बनेगी। केंद्र की योजनाएं भी यहाँ पर पहुँची है और राज्य की सक्रियता, राज्य की योजनाएं भी यहाँ पर पहुंची है तो इसी को निमित्त मेरा प्रवास। कॉलेज की छात्राओं से आप मिली जी, लेकिन अगर नारी शक्ति की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, चाहे वह उनके घूमने की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा रेशियो जो आ रहा है वह लापता बच्चों का आ रहा है जो अभी तक प्रशासन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उनके परिजन जो है वे हताश हो जाते जी। इसमें आप लोग आगे जी, मैं बिल्कुल ये जो है कहूँगी कि ऐसी समस्या है और जो है इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने जब 2014 में जब सरकार आई, 2015 में उन्होंने जो आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटियों की सुरक्षा की बात की, बेटियों की को बचाने की बात की और ये भी एक परिवर्तन हमने देखने को मिला। एक मैं कहूँगी कि हिस्टोरिकल जो है वो परिवर्तन रहा, लैंडमार्क था कि भारत में जहाँ इस देश में बेटियों को पूजा जाता है, देवी देवी स्वरूप माना जाता है, वहाँ पर
आज तक जो है वो डेटा ये रहता था कि 1000 पे जो बच्चियां पैदा नहीं होती है, तो ये दूसरा अब क्योंकि 2022 में सर्वे हुआ है, आप सभी जानते हैं पत्रकार बंधु सब अपडेट रहते ही हैं कि अब जो है 1000 पे जो है बेटियां की संख्या बढ़ी है, जन्म से अब जो है वो जो एक मृत्यु दर जन्म और वो जो 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 गिरा वो जो उनके जन्म की जो बाद जो जो मृत्यु का वो गिरावट, वो जो खुशी भी नहीं बना थी उस सोच को बदलने का काम किया है। और इसके साथ ही सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार जो है हम लोग प्रशासन के साथ अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और जो राज्य का जो नेतृत्व है वो भी अपनी सक्रियता दिखा रहा है और बेहतर इस पे जो है स्थिति हो ये ज़रूरी। लेकिन एक फैक्टर मैं आपके सामने बीच में रखना चाहूँगी, जिस कॉलेज में मैं गई अपना जिला कटनी में शासकीय तिलक कॉलेज है वहाँ पर, तो वहाँ पर सर ने भी मुझे बताया कि लेकिन पिछले कई सालों में मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया था तो जो है हमारे यहाँ पर मेल स्टूडेंट ज़्यादा थे, आज 60% बच्चियाँ हैं, ये हमारा जो है स्टूडेंट्स इनरोलमेंट बढ़ा है। तो परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और मुझे लगता है कि समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार तो अपनी कोशिश करेगी और हम जिम्मेदारी भी लेंगे और हमें काम भी करना है, समाज भी सहयोग करेगा तो तेजी से परिवर्तन होगा।